हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी। आज मैं एक और किचन हॉल वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ आइटम्स मेरी किचन से जो मैंने अपने न्यू किचन के लिए परचेज़ किए हैं। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है ये टिश्यू होल्डर। ये आप देख सकते हैं, इस पर ये नाइफ, फोक और स्पून के कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं और ये ब्लैक कलर में काफ़ी एलिगेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने अपनी ये किचन के लिए लिया है। और इसमें हम इजीली अपने टिश्यूज़ को प्लेस करके इन्हें अपने डाइनिंग टेबल पे या अपने किचन में कहीं भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा टिश्यू होल्डर है। इसके बाद मैंने लिए हैं ये दो कंटेनर्स। ये एक्चुअली जार्स है, ऑक्सीडाइज्ड आयरन के बने हुए। तो ये कुछ इस तरह से है, एक छोटा और एक बड़ा। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं, एक पर लिखा हुआ है बॉन एपेटिट और दूसरे पे लिखा हुआ है बेक्ड विथ लव। तो ये बेसिकली कुकीज़ और स्नैक्स या फिर नमकीन रखने के लिए जार्स है। तो ऐसे दो जार का सेट ये मुझे मिला और ये मैंने परचेज़ किया है। तो ये काफ़ी सुंदर लगते हैं और एलिगेंट सी लुक देते हैं मेरी किचन को। तीसरा प्रोडक्ट जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये मशरूम कंटेनर्स है। ये छोटे छोटे जार्स है, मेटेलिक है और इसके ऊपर वुडन लिड है, इस तरह से राउंड शेप की और स्माइलीज बनी हुई है। तो इनके कलर्स बहुत ही ब्राइट और अट्रैक्टिव है और ये रखे हुए काफ़ी सुंदर लगते हैं और एज अ डेकोर पीस भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं इन्हें यूज़ करती हूँ लौंग, इलायची, काली मिर्च वगैरह स्टोर करने के लिए। और ये वेस्ट साइड होम का प्रोडक्ट है, ये ऑनलाइन भी आपको इजीली मिल जाएंगे। मैं इनके लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर ये अभी होंगे स्टॉक में तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए कितने क्यूट है, कैपेसिटी भी अच्छी है और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये हेज़ल कंपनी के टी, शुगर और कॉफ़ी कैनिस्टर्स। ये भी मेटेलिक है, इनको काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और इनका कुछ नहीं बिगड़ा है। इनके ये इस तरह से ये लॉक है, मेटेलिक लॉक बना हुआ है जिसको आप लिफ्ट करके जैसे टिफ़िन खोलते हैं वैसे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और इनको मैं रेगुलरली टी, शुगर और कॉफ़ी स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी ड्यूरेबल और अभी तक तो अच्छे चल रहे हैं और कलरफुल है। किचन में रखे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी है, इनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, ये आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या टाटा क्लिक पे कहीं पर भी इजीली मिल जाएंगे। इस तरह के सिमिलर कैनिस्टर्स आपको दूसरी कंपनीज़ के भी मिल सकते हैं, तो आप ऑनलाइन इन्हें ज़रूर चेक करें। अगला प्रोडक्ट जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये यूटेंसिल्स होल्डर। तो ये बेसिकली स्पैटुलास वगैरह होल्ड करने के लिए है और इस पर ये यूटेंसिल्स वर्ड लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव और मॉडर्न लुक देता है किचन को। ये वाइट कलर में है क्योंकि मैंने अपने किचन में वाइट एंड ब्लैक थीम रखने की कोशिश की है, तो ये काफ़ी अच्छा और एलिगेंट लगता है। इसके साथ ही मैंने लिया है ये फोक्स एंड स्पून होल्डर। तो ये दोनों एक साथ ही मैंने मंगवाए थे, ये भी वेस्ट साइड होम के ही हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स भी। और ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे चाहे इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ये दोनों काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं और रखी हुई किचन में काफ़ी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। आप इनको ईजीली जैसे नॉर्मली आप बर्तन धोते हैं वैसे इनको क्लीन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आयरन के स्क्रबर से इसे स्क्रब ना करें, अदरवाइज़ इसका जो वाइट पेंट है या ये वर्ड से लिखे हुए ये मिटने का चांस है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से अपने फोक और जो स्पून्स है वो इनमें स्टोर करके रखती हूँ। इसके बाद मेरा जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये कैडी, जो किचन टॉवल रखने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर आप एल्यूमिनियम फॉइल, रैप वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे मसाला कंटेनर्स रखे हैं इसके अंदर और ऊपर इस तरह से आप इसमें जो किचन टॉवल है वो हैंग कर सकते हैं। ये वुडन एक पीस वुड है इसके अंदर ये, और इसमें रबर इस तरह से लगा हुआ एक रबर रिंग, इसको आप रिमूव करेंगे
तो ये वुड रिमूव हो जाएगा और इसमें आप इजीली अपना जो किचन टॉवल है उसको पुट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इतना इजी है ये। ये मैंने ख़रीदा था होम सेंटर से। वैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको होम सेंटर ऑनलाइन पे या अमेज़न पे भी मिल जाएगा। अगर मुझे लिंक मिलती है तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने ये छोटी छोटी ग्लास की बॉटल्स रखी हुई है। ये जो हम डेली का मसालाज वगैरह यूज़ करते हैं, जो मिनिमम क्वांटिटी में हम किचन में रखते हैं, जैसे कि अजवाइन वगैरह, इनको स्टोर करने के लिए मैंने यूज़ किया है। तो ये आई थिंक 12 का सेट है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था, और इस पे ये इस तरह का चॉकबोर्ड वाला स्टिकर जो है वो मैंने पेस्ट किया हुआ है। अभी इन पे मैं लिखने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये दो टू वे से खुलता है, कम्प्लीटली ग्लास प्रोडक्ट है ये, और इसकी जो लिड है ये दो तरीके से खुलती है, स्पून और स्प्रिंकल वे से। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये दो टी मग्स, हालांकि इनको मैं चाय पीने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, दीज आर मेयरली फॉर डेकोरेशन पर्पज़। लेकिन अगर आप अपने किचन में एक टी कॉर्नर या कॉफ़ी स्टेशन बनाना चाहते हो, या आपको डेकोर करने का शौक है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स अपने किचन में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक ब्लू और एक येलो कलर का है, और इन पर काफ़ी अच्छे से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जो चाय का ग्लास होता है उसकी पिक्चर बनी हुई है। तो मुझे काफ़ी कलरफुल और सुंदर चीज़ें पसंद है, इसलिए मैंने ये लिया। इसके बाद ये जो मेरा अगला प्रोडक्ट है ये है ये फ्रूट बास्केट। ये आप देख सकते हो, ये मेटेलिक मेश टाइप की बास्केट है, काफ़ी स्टर्डी प्रोडक्ट है, और इस पर आप इजीली अपने फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हो। इसके नीचे 4 पर्ल शेप के जो होल्डर है वो दिए हुए, जो इसे बैलेंस करते हैं, और ये काफ़ी स्लीक और अच्छी मुझे लगी, इसलिए मैंने इसे लिया है। तो फ्रेंड, होप आपको भी ये पसंद आई होगी। मेरे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स है वो है ये बोरोसिलिकेट ग्लास के, फेमोरा कंपनी के दो छोटे छोटे ग्लास बॉटल्स, जो आप चटनी स्टोर करने के लिए या ऑयल के लिए यूज़ कर सकते हो। ये मैंने लिए हैं सेट में, एक स्पून के साथ और एक ही इस तरह के ब्रश के साथ, जो ऑयल अप्लाई करने के लिए परांठा वगैरह पे यूज़ हो सकता है। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग, ये स्पून वाला तो फिर भी यूज़ हो सकता है, आप इसमें घी डाल के रख सकते हो, चटनी डाल के रख सकते हो, सर्विंग पर्पज़ यूज़ कर सकते हो। बट ये ब्रश वाला मुझे कोई ख़ास बेनिफिशियल नहीं लगा, क्योंकि अगर हम इसे परांठे पे यूज़ करते हैं तो हल्का सा जो आटा वगैरह है वो इसके स्टिक हो जाता है ब्रश के, और फिर वो लेफ़्ट ओवर जो भी है वो वापस ऑयल के अंदर जाता है। तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी इतना पसंद नहीं आया, लेकिन स्पून वाला ओके है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये ऑयल स्टोरेज कंटेनर। ये वंडर शेफ कंपनी का है, और ये ग्लास का बना हुआ है, इस पर प्लास्टिक की लिड है इस तरह से। इसकी अच्छी बात जो है वो ये है कि इसका जो माउथ है ये काफ़ी वाइड है, इसमें आप इजीली अपना हाथ अंदर डालकर भी इसे क्लीन कर सकते हो, इसे साफ़ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अगर हम दूसरे ऑयल पोरर्स देखते हैं तो वो बॉटल शेप के होते हैं, उनको अंदर से क्लीन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि अगर इसमें ऑयल स्पिल भी हो जाता है तो इसके अंदर जो ये होल बना हुआ है, ऑयल वापस बॉटल के अंदर ही जाएगा फ्लो होकर, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इंक्लाइंड स्लोप दिया हुआ है, तो इसमें से ऑयल स्पिल होकर भी बॉटल के अंदर वापस चला जाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस है, जिसकी वजह से मुझे ये बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स, होप आज का वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।